जिसका एकदम क्या हाल चाल है। आज आप दोबारा डेयरी फार्म का विज़िट करवाते हैं, एक दफ़ा पहले भी डेयरी फार्म का विज़िट करवाया था और आपको थोड़ी सी डिटेल देंगे इसकी और आपको इनके नाम वगैरह बताते हैं। खा लें ये दिखाएं, ये हमने छोटी सी ली थी तो इसका हमने नाम मुन्नी रख दिया था, इसका नाम हमने मुन्नी रख दिया था। भाई माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है, इसका साथ बच्चा भी है। ये दिखाई दिखाए, ये मुन्नी का बच्चा है और ये बकरी दिखाएं। ये हमने छोटा सा बच्चा पाला था, इसका नाम हमने बबली रखा हुआ था ना। अब इसका बच्चा है वो मेल है, उसका नाम हमने बबलू रख दिया है। वो दिखाएं दिखाएं, आ जाए आगे आ जाए। और ये देखें, ये भी आप दिखाते हैं, ये दो सौ रुपये सबसे पहले लिए कुर्बानी के लिए। ये तो कुर्बानी पर नहीं लगता, ये लग जाएगा। अब इसका नाम कोई नहीं रखा, इधर आ गया आगे। इसका नाम हमने लीजा रखा था जब छोटी थी, हमने नाम लीजा रखा था। आप देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। ये भी इंशाल्लाह तआला जब बच्चा देगी तो इसका आपको नाम बताएँगे। ये छोटे बच्चे हैं, हमारे पास जानवर ज़रा ज़्यादा है तो अभी हमें समझ नहीं आ रही कि इनके नाम क्या रखें, इसलिए अभी इनके नाम नहीं रखते। अभी आप बताएं, हमें मशवरा दें, आप सोचिए भी अच्छे अच्छे नाम बताएं कि इनके हम क्या नाम रखें। आगे आ जाए, इसका नाम हमने शीला रखा हुआ है जी। जब हमने छोटी रखी थी, ये एक बच्चे ने इसको शीला कह दिया था, फिर हम इसका नाम तब से इसको शीला के नाम से बुलाते हैं। इसका बच्चा साइड पे है, वो बच्चा दिखाएं अभी साहब, उसका भी हमने नाम ही रखा क्योंकि हमारे पास अभी नाम समझ नहीं आ रहे क्या नाम ले रहा है। इसका नाम हमने शीजा रखा हुआ है जी, ये देख लें। अब इसका बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं आगे दिखाएंगे। इसका नाम हमने हीरा रखा हुआ जी, इस वाली गाय का। गाय आपको सारे नाम बताते हैं, जानवर देख के बताए माशाल्लाह कैसे है वो देखो। इसका नाम हमने बबलू रखा हुआ है, इसका नाम हमने बबली रखा हुआ है। आगे आएंगी, इसका नाम हमने कांगड़ी रखा हुआ है। वो थोड़ा कमज़ोर है ना, तो इसलिए कांगड़ी बचपन से कमज़ोर है, तब से इसमें सिर पकड़ी नहीं है, इसका हमने कांगड़ी की बात करते हैं। उसका नाम हमने कांगड़ी रखा हुआ है, उसका नाम हमने रखा हुआ है, उसका नाम मुझे पुंदरा जा थोड़ा सा, इसलिए उसका नाम भी जा रहा है। उसका जो नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका क्या नाम रखा हुआ है। छोटा दूसरे भाई आएंगे ना जाएंगे। अच्छा तो आसिफ साहब, ये आपने पंखा वगैरह क्यों लगाया हुआ है इनको? ये पंखा नहीं साहब, आपको पता है कि गर्मी है तो ये क्रॉस है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, सीजन उनकी क्रॉस गाय, तो इनको गर्मी से बचाने के लिए पंखा बहुत ज़रूरी है। वरना आपको पता है गर्मी की वजह से एक तो दूध कम कर देती है और कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इनको टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए ना, इनको उनके माहौल अच्छा देने के लिए पंखे लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जानवर हो ना, जब आप इंसान हैं, आप खुद जब एयर कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, पंखे लगा लेते हैं, उसके बगैर नहीं रहते, तो जानवरों को क्यों पंखे के बगैर, ठीक है ना। जानवरों के लिए भी पंखा लगाएं, जानवरों को भी टाइम पर पानी दें और इनके लिए भी कोई ना कोई सहूलत दिया करें, क्योंकि ये आपका रोज़गार का जरिया है, ये आपको दूध देते हैं, ये आपको इनकम में इजाफा करते हैं, ठीक है। ये बेजुबान है, इन्होंने खुद नहीं कहना कि हमारे को पंखा लगा दें, इन पर आपने खुद ख्याल करना है, इनको पंखा लगा के देना और पानी टाइम से। आज इस इधर आए, ये दिखाए, इसका नाम लाल परी रखा हुआ था हमने ना बचपन में, अब तो इनको नाम से पुकारते नहीं है, ज़रा बस वैसे ही शर्म आती है। इसका नाम हमने बगी रखा हुआ था, बिल्ली रखा हुआ था, ये देखे माशाल्लाह। इसका नाम हमने बिल्ली रखा हुआ था, जब ये छोटी थी तो हम इसको प्यार से बिल्ली कहते थे, तो ये बड़ी प्यारी थी, अब भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि कैसे माशाल्लाह हेल्दी है, ये पंखों का कमाल है और कुछ फीड का कमाल है। आप इनको
खुराक अच्छे टाइम पे देंगे तो खुराक अच्छे तरीके से देंगे और पंखे वगैरह लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसी हेल्थ सेहत होगी। कुछ जानवर हमारे कमज़ोर भी हैं, वो जो दरअसल किसी और डेयरी फार्म पे थे उसकी वजह से कमज़ोर हो गए, जो जो आप हमारे पास आए जा करते जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो सेहत अच्छे मिलेंगे आपको। ये रखाए जानवर भी, और ये भाई मुझे बताएँ कि ये जानवर कैसे हैं माशाल्लाह, अगर कोई जानवर में है कोई फ़र्क हो या जो कोई कम दूध वाला हो या नस्ल वाइज अच्छा ना हो तो वो मुझे बता दिया करें ताकि मैं ना वो जानवर को चेंज कर दूं। मुझे आपकी राय चाहिए होती है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो भाई इन चीज़ों को जानते हैं वो अपनी राय दिया करें, मुझे तो इनके बारे में इतनी मालूम नहीं है ज़रा, तो इसलिए मैं वीडियो बना के अपलोड इसीलिए करता हूँ कि आप भाइयों की मुझे राय चाहिए होती है। आपकी राय मुझे बड़ा फ़ायदा मिलता है आपकी राय से ना, और आपनी जो है ना मुझे अच्छी राय दिया करो। ये देखें इस, मुझे ये बता दें कि इस गाय के ये फ्रंट पे क्या मसला है ज़रा। ये कुछ अर्से पहले जो है ना मुझे कोई भाई दे गए थे, तो ये देखें आप ये फ्रंट से हड्डी ज़रा निकली हुई है, ये क्या मसला है, इसका क्या हल है, इलाज क्या है इसका, इलाज किसी भाई को पता हो तो ये बता दें मुझे ज़रा, रिक्वेस्ट है। ये देखें ये इसका नाम हमने छोटू रखा हुआ था, छोटू गैंगना, ये देखें सबसे छोटी है, छोटी रह गया इसको। ये बचपन से ही तकरीबन ऐसी थी छोटी सी, जैसे वो टैडी बंदे नहीं होते वैसी थी टैडी, इसने इसका हमने छोटू रखा हुआ था इसका। ये देखें इसका ना हमने हालांकि 1.5 फुट का नाम रखा हुआ था, वो वास्तव मूवी है ना उसकी वजह से, वास्तव मूवी में 1.5 फुट का था, ये बहुत छोटी थी लेकिन माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ी हुई है ना तो इसने बड़ी हाइट निकाल ली है, इसका हमने 1.5 फुट का नाम रखा हुआ था। अब देखें कैसे हाइट निकाल ली है, ये देखें इसका नाम हमने लंबू रखा हुआ था, ऐसे वो होता है ना एक कोई लंबा इंसान रखा देते हैं तो वैसे ही, ये देखें माशाल्लाह कितनी टांगे लंबी है, लंबी है, इसका नाम हमने लंबू रखा हुआ है। बचपन से ये ऐसे ही थी माशाल्लाह लंबी और हाइट वाली, ये दिखाएं जी इसका नाम नहीं जी अभी रखा, ये कुछ अर्से पहले आई है हमारे पास तो इसलिए जो है ना इसका नाम हमने अभी नहीं रखा। ये दिखाएं लीम साहब, ये देखें माशाल्लाह बच्चा दूध पी रहा है, जिसका नाम भी हमने बगी रखा हुआ है, ये जो है ना इसका नाम बगी रखा हुआ है, तो प्यार से इसको हम बगी बगी बोल बुलाते हैं, और आती भी है, ये नहीं है कि बगी पे आती नहीं है, बगी का नाम जब लेते हैं तो आती है वो। इसका नाम भी हमने लालपरी रखा हुआ है, दिखाएं लीम साहब, इसका नाम भी हमने लालपरी रखा हुआ है, इसको भी हम लालपरी के नाम से बुलाते हैं, और उसका नाम हमने डब्बी रखा हुआ है, वो गाय दिखाए जा रहा है लीम साहब, और बच्चा इस टाइम एक दूध का टाइम हो गया अभी, इस वजह से बच्चा दूध पी रहा है, दूसरे छोटे बच्चे भी दिखाएं, तो इनको क्या खुराक मतलब क्या डालते हैं इनको? इनको लीम साहब चारा, सबक चारा डाला जाए और उसके बाद खल रोटियां और वंडा तूड़ी के अंदर मिक्स करके डाला जाए दो टाइम सुबह शाम, और जो ये सबक चारा है ये भी तूड़ी थोड़ी मिक्स कर दिया करें इसमें और सुबह शाम ये डाला करें, और सबसे जो मेन चीज़ है ना रीम साहब, आप आगे मौसम जो है ना बड़ा चेंज हो रहा है तो इसमें इनको विटामिन्स वगैरह की कमी ना उन्हें दिया करें, इनको कैल्शियम वगैरह पाउडर, कैल्शियम पाउडर मिलता है वो चारे में लाजमी दिया करें, और पंखों का ख़ास ख्याल करें, पंखे इनके ऊपर लाजमी होने चाहिए, और इनको धूप में नहीं बांधना, आपने धूप से बचाना है, गर्मी से बचाना है, और पानी जो है ना वो कोशिश करें कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इनको 3 टाइम पानी दिखाया करें, एक तो सुबह और उसके बाद दोपहर को एक शाम को भी, और जब रात को आप इनको खुले हिस्से में बांधते हैं ना, खुली जगह पे बांधते हैं तब भी पानी पिला के फिर बांधा करें। आपने पानी का निज़ाम कहाँ बनाया? आए आपको पानी का निज़ाम, पानी का निज़ाम है यहाँ फ्रेश, यहाँ से वो मोटर चलाएंगे तो फिर यहाँ पानी आएगा, बस तो टैंकी का पानी आता है आपको दिखाते हैं, ये ऐसे पाइप रखते हैं ना, ये अब अक्सर होता क्या है, ये देखिए पानी आ गया, अक्सर होता क्या है कि गर्मियाँ आ गई हैं टैंकी का पानी गर्म होता है
तो मोटर ही साथ इसके लगाई हुई है कि फ्रेश पानी डाला जाए, ये गर्म पानी ना पिलाएं इन्हें, ये भी आपको पता है कि मसला देती है, गर्मी नहीं, प्यास नहीं बुझती इनकी और जानवर ज़्यादा पानी पीता है। तो अब मोटर इसलिए साथ लगी है कि फ्रेश पानी करने, टेम्परेचर उसका ठीक होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता वो पानी। आपको बाहर का क्या होता है? पूछ रहे थे कि हमारी ये डेयरी फार्म की लोकेशन क्या है। भाई कोई हमारा इतना कोई हाई फाई तो डेयरी फार्म नहीं है, बस एक छोटा सा शॉप था वो पूरा कर रहे हैं। ये हमारी लोकेशन, ये चंद्राय रोड पे रास्ता है ना, डिफेंस रोड पे हमारा ये डेयरी फार्म है। ये आपको ये दिखाएंगे रात को जो है ना लीन साहब, हम जानवर आपको पता है कि अंदर हबस हो जाती है गर्मी का मौसम में, रात को पानी पिला के जानवर इधर बांध देते हैं खुले एरिए में ताकि हवा वगैरह लगा सकें। ये देखें तो ये क्या चीज़ है, ये आपने ये क्या किया हुआ? ये जैसे कि वो लकड़ी के किले लगाए हुए हैं ना, ये भी वही चीज़ है, इसको टायर है, ये बाइक का टायर होता है, उसको गड़ा निकाल के ना अंदर रख के सीमेंट से वो कर देते हैं, कंक्रीट भर देते हैं, ये बड़ा मजबूत होता है, बांधने में आसानी हो जाती है, इस पर बांध देते हैं। और कई दोस्त हैं वो जो बर्गर दोस्त होते हैं, बर्गर बच्चे जो होते हैं ना, वो पूछते हैं कि ये पीछे क्या नजर आता है, इसको बता दे लो दोस्तों को, ये नज़दीक से दिखाए। ये जी इनकी वेस्ट है जानवरों की, ये गांव में जब आप जाते हैं तो आपको पता होगा कि ये आग लगाने के काम आते हैं, इनको मसलन के क्या कह सकते हैं, इनको बस यही समझ लें कि जी ये गोबर की लकड़ी है। अब दूसरी वर्ड थापी होगी जैसे कहते हैं, थापी वगैरह, थापी भी कह सकते हैं इसको। हाँ जी, तो ये बड़े दोस्त, मतलब ये उन्होंने स्टोर किए हुए हैं, ये ऊपर शोपर वगैरह लग डाल के ये पत्थर इसलिए रखे हुए हैं कि गीले ना हो, और ये जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत पड़ती है चाय के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, खाने पकाने के लिए, तो ये वहाँ से उतने ले जाते हैं, जाके यूज़ कर लेते हैं, दोबारा फिर ज़रूरत पड़ती है तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसलिए स्टोर किए होते हैं कि ये अपने लोगों ने, ये तो थोड़ा छोटा बना हुआ है ना, जो इनकी फैमिली बड़ी है ना, उन्होंने तो बड़े बड़े पहाड़ बनाए होते हैं, तकरीबन मेरे से ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं उनके। तो चले जी, आप जो है ना कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे, शायद आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती हमारी, तो अगर आपको वीडियो भी या हमारी भी बात बुरी लगती हो या लगी हो तो उसके लिए माजरत है। एक तो हमें ज़रा प्रमोट करें वीडियो को, जो है लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल हमारा, इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी आपको। जी अब इनको फार्म पर विज़िट करवा दें जी, थोड़ी सी लोकेशन दिखा दें। चलो अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती रहेगी आपसे, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेगी। ये अल्लाह हाफिज़।